प्रशासन का आदेश बौना साबित। थाने के बगल में है घर तो किस बात का डर। मनगढ़ों का आतंक छू रहा आसमान। जनपद कुशीनगर जिला संवाददाता हरेंद्र शर्मा। प्रशासनिक आदेश के अनुसार सभी पक्ष के सहमति से पैमाइश होने के बावजूद भी प्रार्थी के पुराने दीवार पर मरम्मत करने पर दीवार तोड़ने, गाली गलौज व हर बार लाठी डंडे से वार कर घायल कर देने को लेकर स्थानीय थाना पर थाना दिवस के दिन पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की। बताने के मुताबिक पीड़ित प्रार्थी के घराड़ी का बंटवारा 40 वर्ष पूर्व पूर्वजों द्वारा हुआ है। उसी के अनुसार सभी पक्ष का घर का निर्माण हो चुका है, जबकि अराजी संख्या 404/00073-0 भूमि चेकआउट है। श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय और पुलिस प्रशासन के आदेश पर सभी पक्षों की सहमति से हिस्सा का जमीन लेखपाल महोदय ग्राम प्रधान के मौजूदगी में नापी कर सभी पक्षों को समझाया दिया गया। प्रार्थी के पिता के मिले हिस्से की जमीन पर पिता का बनवाया हुआ घर एवं चार दीवारी बाउंड्री के अंदर मकान के सेट 2 कोठरी का 7 फुट पुराना दीवार खड़ा है, मरम्मत कर छत डालना चाहते हैं। विपक्षी सुरेश पुत्र स्व भोला के कहने पर मोहन व हरमुन पुत्र गण स्व शून्य रघुनाथ ने अपने पत्नियों को आगे खड़ा करके प्रार्थी को परेशान करने की नियत से पुराने दीवार पर छत डालने में बार बार बाधा उत्पन्न करता है। बच्चों के पढ़ाई में बाधा, प्रार्थी के हिस्से पर बंटवारा का मुकदमा करके बाधित, भोजन घर, महिलाओं का स्नान घर, शादी विवाह में बाधित करते हुए, गाली देते हुए, मारने पीटने काटने की धमकी देते रहते हैं। मौके के जांच पर लेखपाल व कानूनगो महोदय के आदेश पर न्यायालय से डिक्री का आदेश मिला है, सभी दस्तावेज संलग्न है। विपक्षी को पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार लाख समझने के बावजूद भी पीड़ित को मार कर घायल कर देना उनकी दिनचर्या बन गया है। ये तो गाली दे रहा है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र गुप्त। घर? घर बिशनपुर बजेपट्टी टोला बिशनपुर थाना बिशनपुर तहसील तमकुरा जिला कुशीनगर। अच्छा, क्या मामला है आपके? मामला यही है कि जैसे जमीन चेकआउट है और हमारे पिताजी 3 भाई थे, 3 बार की जमीन नापी करवा कर थे, 1 बेटा 3 कर लिए, सभी लोग अपने अपने हिस्से पे काबिज है, 70 मकान बना हुआ है और 2 पक्षी जैसे हमारे जमीन जैसे मेरे दीवार है, मेरे नाम से है और जमीन है। ये बटला ये दीवार चला हुआ है कितने दिन पहले की दीवार चला? 15 साल पहले। 15 साल पहले का। अभी फिलहाल क्या हो रहा है? फिलहाल यही है कि 2 परदार मिल करके जैसे हमारे बच्चे क्या नाम है उन लोगों का? हमारे 2 परदार मिल कर जो रुक रहा है। क्या नाम है? सुरेश नरेश जयप्रकाश मोहन रोक रहा है। नजदीकी थाने पे आप सूचना दिए हैं? हाँ, नजदीकी थाने पे सूचना दिए हैं, SDM साहब का भी आदेश है, आदेश करा कर हम थाने पे दिए हैं, कुछ कार्रवाई हुई है। पक्षी आपको बार बार रोक रहा है और थाने से भी 16 सपाटे भी लिखा है कि हम आप अपना घर बनाइए, हम रोकेंगे नहीं। उसके बावजूद भी ये 5 औरतें आगे खड़ा कर देता है और खड़ा करने के बाद मेरा दीवार टूट देता है, मेरा घर उजा देता है, कहता है कि लाद पार देंगे, सबको काट देंगे, मुआ देंगे। और साथ में बताइए, आज शनिवार था, थाना दिवस था, आज गए थे आप थाने के अंदर, क्या सुनवाई हुआ? क्या थाने के अंदर हम गए थे तो SO साहब कहे कि एप्लीकेशन दे दीजिए, एप्लीकेशन हम अपना पर दिए हैं कि इस पर यह सुनवाई हो कि जो सुलानामा लिखे हैं उसी को उनको बुलाहट हुआ है, अब बोलेंगे आपका घर बनेगा लेकिन इसके बाद उसको हम उसको मरम्मत कर लेंगे, उसको समझा बुझा देंगे, उसके बाद ही कोई काम होगा। सुनने में आया था कि कोई रास्ता का भी मामला है अपने? रास्ता का मामला है तो मान लीजिए हम लोग 3 परदार हैं तो 3 आदमी देंगे।
इस पे क्या वो लोग एग्री हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। अब हमसे जबरदस्ती मांगा जा रहा है लाठी के बल पे, औरतों के बल पे। मेरे पास सब सबूत है, वीडियो भी है हमारे पास।